फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉकडाउन स्टडी पे। अभी हमारी राष्ट्रपति की सीरीज चल रही है संविधान से संबंधित, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें ये राष्ट्रपति का जो थर्ड वीडियो है वो पार्ट थ्री में लेके आया हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अभी मत कीजिए, पहले आप ये वीडियो देखिए। अगर आपको जानकारी पसंद है तो आप जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। पहले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को जो निर्वाचन मंडल किस प्रकार से डिसाइड होता है राष्ट्रपति का, और उसमें कौन कौन से लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से लोग वोट नहीं डाल सकते, और नहीं डाल सकते तो क्यों नहीं डाल सकते, ठीक है। दूसरे वीडियो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, उसकी काउंटिंग किस प्रकार होती है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद प्रणाली क्या होती है, ठीक है। अब जो राष्ट्रपति का हमारा अगला वीडियो है, ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे मैं आपको वन लाइनर फैक्ट अधिक बताने वाला हूँ राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति संबंधित जो मेन फैक्ट है वो इस वीडियो से जरूर एक नए क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो राष्ट्रपति संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो राष्ट्रपति का फैक्ट डिस्कस करते हुए हम ये चालू करते हैं वीडियो। तो हमारा क्या ये पार्ट थ्री है वीडियो का, ठीक है। इससे पहले दो वीडियो मैंने राष्ट्रपति के आपके यूट्यूब में डाल चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित सभी विवादों की जांच एवं फैसले सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो भी विवाद होंगे और उनके फैसले होंगे तो उनका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। बात क्लियर हुई। अब ये कि इसमें क्या विवाद हो सकते हैं और क्या इसके संभावित जो ये है उनकी जांच, विवाद और उनकी जांच किस प्रकार हो सकती है। मुझे एक केस याद आ रहा है, ये सन 2012 में अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी, इसके पहले जो प्रणब मुखर्जी थे उनके विपक्ष में पीए संगमा खड़े थे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के कैंडिडेट थे और जो पीए संगमा थे वो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे। तो मुझे जो याद आ रहा है वो ये कि उस समय पे जो माननीय मुलायम सिंह जी थे उन्हें वोट डालना था राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, लेकिन गलती से उन्होंने क्या कर दिया, पीए संगमा की तरफ फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दी थी। प्रेफरेंस क्या होता है, किस प्रकार से वोटिंग होती है, इसको आप जानना है तो पिछला वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। तो उस समय पे उन्होंने बोला कि मैंने गलती से वोट डाल दिया, मुझे देना है प्रणब मुखर्जी को, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पीए संगमा डाल दिया। तो उन्होंने क्या किया, उस बैलेट को फाड़ दिया या फिर उसको मोड़ के साइड कर दिया, ठीक है, जो भी हो, है ना, उस पर नहीं जाना है अपने को। मतलब उन्होंने अपना पहला वोट कैंसिल कर दिया और दूसरा बैलेट पेपर मांगा कि मुझे प्रणब मुखर्जी को वोट देना है करके। तो उन्होंने क्या किया, प्रणब मुखर्जी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, अपना वोट सबमिट कर दिया। तो पहली बात यह कि उनका विवाद कैसे आया कि मुलायम सिंह को अपना वोट डालना था उन्होंने नहीं डाल पाया। पहली बात तो ये गुप्त मतदान होता था, ये कैसे मालूम चला कि मुलायम सिंह का ही जो वोट था वो रिजेक्ट हुआ। पहली बात मालूम नहीं चलना चाहिए था, अगर मालूम चल भी गया तो कैसे मालूम चला। मालूम ऐसे चला कि जब उन्होंने सेकंड बैलेट मांगा तो बीजेपी वालों ने कुछ विरोध किया कि ये सेकंड बैलेट क्यों दी जा रही है, ठीक है। तो इससे ये मालूम चल गया कि उन्होंने संगमा को वोट दिया था, वो पहला वोट था वो कैंसिल हो गया, जो सेकंड उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी के लिए दिया तो इससे मालूम चला कि उन्होंने वोट किसको दिया। कहने का मतलब ये है, ये गुप्त मतदान की प्रक्रिया है, इसमें पता नहीं चल सकता कौन सा कैंडिडेट जो है वो किसके लिए वोटिंग कर रहा है। तो उस प्रकार क्या हुआ, उनका जो मत था वो बिल्कुल निरस्त कर दिया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ये है, चुनाव को निर्वाचन मंडल अपूर्ण के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो रही है यहाँ पर, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसको इस आधार पर कोई व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। कहने का मतलब जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव के समय कोई विधानसभा विघटित है तो उसके मेंबर वोट नहीं डाल पाएंगे, या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कुछ क्षेत्र जो है वहां पर वोटिंग ना की गई हो, वहां से कोई विधायक चुन करके या सांसद चुन करके ना पहुंचा हो तो वो वोट नहीं डाल पाएगा, कॉमन सी बात है। तो इसी आधार पर कोई भी पार्टी या कोई भी सदस्य नहीं कह सकता कि मेरा वोट जो था मैं नहीं डाल पाया हूं और उसका निर्वाचक जो मंडल है वो अपूर्ण है। तो किसी भी हालत हो, कैसा भी टाइम चल रहा हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, 1977 के बाद ऐसा है कि 25 जुलाई को हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो चुन लिए जाते हैं। 20 जुलाई से पहले की डेट जो है उस समय वोटिंग हो जाती है राष्ट्रपति के लिए, और 20 जुलाई क्या होता है, वोट की काउंटिंग होती है, और 25 जुलाई क्या होता है, जो नए राष्ट्रपति हैं वो वोट लेते हैं, ठीक है। उसके पहले क्या था, दूसरी डेट थी, अभी 1977 से जब नीलम संजीव रेड्डी जब से राष्ट्रपति बन क्या है निर्विरोध चुन करके, उस समय से क्या है 25 जुलाई की जो डेट है, इस डेट फिक्स है, कुछ भी हो जाए 25 जुलाई को हमारा नया राष्ट्रपति जो है
वो क्या होता है, शपथ लेता है, 20 जुलाई को रिजल्ट आ जाता है, वोटिंग की काउंटिंग हो जाती है, उस समय से कैंडिडेट मालूम चल जाता है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा पॉइंट हम ये बात करते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हताएं, मतलब क्या जरूरी है राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, आपको और मेरे को अगर राष्ट्रपति बनने की इच्छा होगी और राष्ट्रपति आप लोग बनना चाहते होंगे तो इन कंडीशन को पूरा किए बिना क्या है, आप लोग राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और राष्ट्रपति के पद धारण नहीं कर सकते हैं। तो तीन चार जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं बताता हूँ राष्ट्रपति बनने के लिए। पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी विदेशी व्यक्ति, कोई भी विदेशी नागरिक जो है वो भारत में कोई भी संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई भी अदर संवैधानिक पद हो। तो ये जरूरी है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक नहीं है तो वो संवैधानिक पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आयु 35 वर्ष, मिनिमम 35 ईयर की एज होनी चाहिए। ठीक है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं, अगर आप 35 साल के नहीं हुए तो आप भी इसका चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है लाभ के पद पर ना हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्राइवेट कंपनी का मालिक हो गया अगर मैं कहूं, या कोई ऐसी कंपनी जिसमें कुछ सरकार का अंश हो, या कोई भी दूसरा व्यक्ति हो, तो उसको क्या है लाभ के पद पे होगा और राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, और दूसरे कहीं वो पार्टी में कुछ अगर कुछ अंश रखते हो तो भी वो क्या हो सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकते। लाभ का पद उन लोग के लिए नहीं होगा जो किसी संघ में या मतलब केंद्र में मंत्री होंगे या राज्य में मंत्री होंगे या किन्हीं भी राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, तो वो क्या होंगे लाभ के पद पे नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो लाभ का पद पे उस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो किसी पद पर होगा भी तो पहले वहां से क्या करेगा, वो रिजाइन देगा, उसके बाद ही क्या करेगा वो चुनाव। ठीक है, चौथा क्या है लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अर्हताएं रखता हो। लोकसभा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कि उनके सदस्यों की क्या अर्हताएं होती हैं लोकसभा में जाने के लिए। तो जो राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट होगा वो क्या होना चाहिए, लोकसभा में निर्वाचित होने हेतु योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद भी कुछ है, व्यक्ति को पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो सब चीजें उसमें होती है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सब कंडीशन पूरा होने के बाद क्या है आप लोग राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नामांकन हेतु, राष्ट्रपति का आपको चुनाव लड़ना है तो आपको नामांकन देना पड़ेगा। नामांकन देने के लिए आपको ये जरूरी है कि आपके पक्ष में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हों। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्या होते हैं, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में टोटल निर्वाचित सांसदों की संख्या 776 है और 4120 हमारे पास क्या है सभी राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित विधायक है। तो टोटल नंबर हमारे पास क्या आया था 6984896 व्यक्ति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। तो 4896 व्यक्ति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने वाले हैं। अगर इन 4896 व्यक्ति में से आपको कम से कम 100 व्यक्ति ऐसे चाहिए होंगे जो आपके नाम को नॉमिनेट करें या प्रस्ताव दें, और 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो आपके नाम को अनुमोदन करें, मतलब इन्हीं में से व्यक्ति आपको 100 व्यक्ति चुनने पड़ेंगे। ठीक है, इसके पहले ऐसा नहीं होता था, इसके पहले 10 व्यक्ति रखे 10 थे, मतलब इसका मीनिंग मतलब ये है 50 सांसद या 50 विधायक जो है आपके पक्ष में या आपके प्रस्ताव को होने चाहिए जो आपको अनुमोदन करें आपके प्रस्ताव को। इससे पहले क्या होता था कि 10 था, उसके पहले 1992 में जब स्टार्ट हुआ था राष्ट्रपति कुछ हुआ तो 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक होते थे। उस टाइम पे क्या था, संचार का जमाना नहीं था, राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुनना पड़ता था। ठीक है, डायरेक्ट तो चुन नहीं सकते थे, जनता वोट डालने जाएगी नहीं। ठीक है, अब क्या है अप्रत्यक्ष रूप चुनना है। अगर आप 100 व्यक्ति को भी आपके पक्ष में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ठीक बात है, अगर आप 100 व्यक्ति से वोट नहीं ले सकते हो तो आपको कैसे आप जीत सकते हैं चुनाव। ठीक है, तो मिनिमम में कौन होते हैं, विधायक और सांसद ही होते हैं प्रस्तावक अनुमोदक जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप 100 व्यक्ति को नहीं जान सकते हो तो आप बिल्कुल भी चुनाव लड़ने के लायक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है जमानत राशि। जमानत राशि क्या होता है, 15,000 रूपए आरबीआई जमानत राशि, 15,000 रूपए जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वह जमानत राशि के रूप में 15,000 रूपए की राशि आरबीआई के बैंक में जमा करेगा। जमानत राशि वह होती है जो किसी भी चुनाव में डाले गए वैध मतों का अगर आपको 1/6 प्राप्त हो जाते हैं तो यह राशि आपकी वापस कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग आपको नहीं प्राप्त हो पाता है
तो ये जो जमानत राशि 15,000 रुपए है ये जब्त हो जाएगी। बहुत लोग आपने सुना होंगे ये विधायकों के चुनाव में भी होती है और सांसदों के चुनाव में भी होती है, इवन ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच के चुनाव में भी क्या है कुछ ना कुछ जमानत राशि रखी जाती है। ऐसा नहीं 15,000 होगा, इससे कम होती है, 200, 400, 1,000, 10,000, 5,000 इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये होगी जमानत राशि। अगर आपको 1/6 वोट से अधिक मिल जाते हैं तो ये आपका पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं जो शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा, संविधान को संरक्षण की, संविधान के संरक्षण की राष्ट्रपति। अगर इनके सीजीआई उपस्थित नहीं है या सीजीआई उस समय कोर्ट पे नहीं है तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के अलावा भी अभी वर्तमान में 33 हो गए हैं, 33 न्यायाधीश होते हैं, तो उनमें जो अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो सीजीआई के बाद जो प्रमुख न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी न्यायाधीश नहीं होगा, वरिष्ठतम नहीं है तो अन्य 30-33 लोग जो होते हैं, 33 जो हैं, उनमें से कोई भी जो वरिष्ठ होगा सबसे, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब वेतन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। वेतन में स्पेशली अलग से लिखा हूं इसलिए क्योंकि अभी वेतन कितना हो गया, 5 लाख पर मंथ। पहले जो 1.5 लाख था उसको 2018 में बढ़ा दिया गया है और इसको क्या किया गया है, 5 लाख रुपए पर मंथ वेतन होता है। अब प्लस इसका जो आधी सैलरी होती है राष्ट्रपति के रिटायर होने के बाद, मतलब 5 साल पूरे होने के बाद, अगर वो पुनर्निर्वाचित नहीं होते हैं तो 5 साल पूरा होने के बाद क्या होता है, इस सैलरी का आधा जो होता है वो राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में प्राप्त होती है और बहुत सारे वेतन भत्ते उनको मिलते हैं, आवास मिलता है रहने के लिए, राष्ट्रपति भवन, किराए की गाड़ी वगैरह मिलती है, फोन का बिल मिलता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद कुछ सैलरी जो है पेंशन के रूप में, जो पेंशन का आधा जो होता है वो उसके पत्नी को और बच्चों को भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये वेतन 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का भी बढ़ा दिया, इससे पहले 1.5 लाख रुपए था। ठीक है, आगे देखते हैं पदावधि। पदावधि मतलब कितने समय तक राष्ट्रपति अपने पद पे कार्य करते हैं, तो ये पदावधि है 5 वर्ष की। 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, 5 वर्ष के बाद भी राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित कितनी भी बार हो सकता है, लेकिन आज तक ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, वही क्या हुए हैं, 2 बार निर्वाचित हुए हैं, उसके बाद से जो भी राष्ट्रपति बने हैं केवल 1-1 बार ही बने हैं। अमेरिका में ऐसा है कि अमेरिका में केवल 2 ही बार कोई भी जो प्रेसिडेंट होते हैं केवल 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, उसके बाद नहीं बन सकते, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट ऐसा है कि भारत में कितनी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, पदावधि 5 वर्ष। पदावधि के बाद 5 वर्ष से पहले अगर उनको क्या होना है, छोड़ना है, तो त्याग पत्र देकर के या भारत के प्रेसिडेंट की अगर मृत्यु हो जाए तो क्या हो सकते हैं, पद खाली हो सकता है। ठीक है, तो त्याग पत्र किसको देंगे, ये उपराष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर के सेवा मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको पद पर पुनर्निर्वाचन हो सकता है, कितने भी बार कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंप्लीमेंट का प्रोसेस कहते हैं इंग्लिश में, महाभियोग आर्टिकल 61 आर्टिकल बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 61 का। ठीक है, किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर आज तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। महाभियोग का मतलब होता है प्रेसिडेंट को उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उसको उसके पद से हटा दिया जाना। ठीक है, हटा देना, तो उसको क्या कहते हैं, इंप्लीचमेंट का प्रोसेस है महाभियोग। तो इसका लगाने का सिर्फ एक ही कारण है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर इंप्लीचमेंट का प्रोसेस नहीं लगाया गया है, संविधान का उल्लंघन। अब ये संविधान का उल्लंघन किस प्रकार होता है, ये संविधान में कभी भी इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है कि संविधान का उल्लंघन क्या होता है, लेकिन ये कि जो भी संविधान है और उसके उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसके पद से मुक्त किया जा सकता है या उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो महाभियोग का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मैं आप लोग को भी बताता हूँ। ठीक है, तो महाभियोग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, 14 दिन के पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, 14 दिन के पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रोसेस क्या हो रही है, स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को 14 को नोटिस कब देंगे, नोटिस कब देंगे, जिस सदन में, सदन के जिस सदन में, देखो तो 2 सदन होते हैं, फर्स्ट क्या है लोकसभा और दूसरा क्या है राज्यसभा। महाभियोग की प्रोसेस है वो किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है, चाहे लोकसभा में स्टार्ट कर लो या राज्यसभा में स्टार्ट कर लो। ठीक है, जिस सदन में स्टार्ट की जा रही है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करने होंगे और उस सदन के समक्ष
प्रस्तुत करना व राष्ट्रपति को 14 दिन के पूर्व नोटिस देकर के उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, सदन में प्रस्तुत होने के बाद राष्ट्रपति का जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसके ऊपर चर्चा होगी और उसके ऊपर विचार किया जाएगा। उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में भेजा जाएगा मतलब अगर राज्यसभा में प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो वो लोकसभा में भेजा जाएगा, अगर लोकसभा में प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद उसको क्या भेजा जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सदन में आप महाभियोग की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं 14 दिन पूरे नोटिस होने के बाद। उसके बाद उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से आपको पारित करवाना पड़ेगा, फिर वो क्या होगा, दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन जो होगा वो राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को भी मौका होगा कि वह अपना बचाव कर सके या अपने बचाव के लिए प्रतिनिधित्व के लिए किसी व्यक्ति को क्या करे, सदन में उपस्थित करे। या अपना बचाव खुद कर सकता है या अपने बचाव के लिए किसी व्यक्ति को सदन में भेज सकता है। ठीक है, तो उसके बाद दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर आरोप जो होते हैं दूसरे दिन ऐसा पाता है कि आरोप बिल्कुल सही लगाए गए हैं और राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रस्ताव जो लाया गया है बिल्कुल सही पाया गया है, तो दूसरा सदन भी अगर इसको 2/3 बहुमत से पारित कर दे, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को अगर पारित कर दे तो प्रस्ताव पारित होने की तिथि से पद से हटना होगा। मतलब जिस तिथि को प्रस्ताव पारित कर दिया दूसरे सदन ने उसी तिथि से राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, अपना त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, तो ये जो था वो महाभियोग की प्रोसेस है और ये प्रोसेस मैं बता दूं, ये जो प्रोसेस है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। किसकी, संसद की। संसद की क्या है ये, अगर प्रश्न पूछा जाता है महाभियोग क्या है तो ये एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि महाभियोग क्या है तो महाभियोग क्या है, संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, पद की रिक्तता की बात करते हैं। राष्ट्रपति का पद और किस प्रकार से रिक्त हो सकता है, मैं आपको बताया 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मृत्यु हो जाने पर भी पद रिक्त हो सकता है और वो अपना अगर इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को तो ही पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति पद रिक्त होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, राष्ट्रपति नहीं है, तो उस समय पे जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक क्या हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम 6 महीने तक काम कर सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करें। मोहम्मद हिदायतुल्ला ने क्या हुआ है, एक बार एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। अगर सीजेआई भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, सीजेआई भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो जो भी प्रमुख न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए, 5 वर्ष की अवधि पूरी हो जाए और उस समय तक राष्ट्रपति का, मैंने बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है तो जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, राष्ट्रपति अपना पद को धारण किए रहेंगे जब तक अगला राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के नहीं आ जाता है। तो इस समय क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा उसको राष्ट्रपति के रूप में काम करने का जो मौका है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर राष्ट्रपति अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं, मान लो कोई राष्ट्रपति बना और 2 साल में क्या हो गया, उस पद से हट गया, वो किसी भी तरह से उनका पद रिक्त हो सकता है, मैंने बताया त्याग पत्र देने पर या मृत्यु हो जाने पर या चुनाव का अवैध घोषित कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, तो अगर 2 साल में मान लो हट जाते हैं तो 6 महीने तक जो है वो उपराष्ट्रपति क्या है, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इन 6 महीने के बीच में नया राष्ट्रपति जो चुन करके आना बिल्कुल अनिवार्य है और जो नए राष्ट्रपति इस समय जो चुन करके आएंगे वो बची हुई जो कार्यकाल है उसके लिए राष्ट्रपति नहीं होंगे, वो उस समय से अगले 5 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति होंगे। मैंने क्या बताया, अगर राष्ट्रपति 2 साल में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, 5 साल के लिए वो चुने गए थे लेकिन अगर 2 साल में पद रिक्त हो जाता है तो अगले 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इस दौरान नए राष्ट्रपति का चुन करके आना बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, और जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो बचे हुए कार्यकाल में काम ना करके अगले 5 वर्ष तक अपने पद पे क्या रहेंगे, कार्य रहेंगे। ठीक है, अगर एक बात इसमें और ध्यान देने योग्य है, मैं एक बात इसमें बीच में बताना भूल गया, एक बात ये है कि अगर राष्ट्रपति को जो पद रिक्त इस प्रकार से होता है कि उनका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है, मान लो निर्वाचन हुआ 2 साल के बाद कुछ जांच में ऐसा पाया गया कि निर्वाचन अवैध रूप से अवैध था और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया गया 2 साल में, तो निर्वाचन अवैध था
और 2 साल तक राष्ट्रपति ने उसके ऊपर काम किया, तो इन 2 साल के दौरान जो राष्ट्रपति काम किए होंगे वो कार्यों में अवैध नहीं घोषित किया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति के चुन के आने के बाद 2-3 साल तक काम किया और बाद में अगर चुनाव चुनाव जो हुआ था निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया, तो इस टाइम पीरियड में राष्ट्रपति ने जो कार्य किया होगा उन कार्यों को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अवैध इसलिए नहीं घोषित किया जाता है क्योंकि राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वो लगभग सभी कार्य जो होते हैं मंत्रिमंडल की सिफारिश पे होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं वास्तविक इसके मुखिया होते हैं, तो इसलिए क्या होता है राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं उस समय पर वो अवैध घोषित नहीं किए जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से अगर राष्ट्रपति के ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल बनता है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना होगा तो। ठीक है, तो यही हमारा राष्ट्रपति का पार्ट 3 का वीडियो था। अगला वीडियो जो होगा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनकी वीटो पावर क्या होती है, कार्यकारी शक्ति क्या होती है, विधायी शक्ति क्या होती है, न्यायिक शक्ति क्या होती है। उसके बाद अगले 1 या 2 वीडियो में शायद हमारा राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाएगा। राष्ट्रपति काफी लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इसके बाद शायद छोटे चैप्टर कुछ आएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।